इतनी डीप डिटेलिंग बहुत कम जगह मिलेगी आप लोगों को, बहुत कम जगह। मैंने जितने भी पोर्शन बताऊंगा अभी यहाँ पर जो लिखे हुए हैं यहाँ पर पांच के पांच पोर्शन, मैं इनकी डिटेल में भी जाऊंगा। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, तभी पता चलेगा कौन सी चीज आसान है और कौन सी चीज मुश्किल है। मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश की है, प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ अंट-शंट पकड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं ये कर लो वो कर लो। देखो यार, अगर 12th क्लास का ही है तो 12th क्लास का ही करके जाओ, जो 11th क्लास का प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो आप कर सकते हो केवल वही करना, हवा में मत लटको कहीं 11th क्लास करने के चक्कर में जो 12th का आता है वो भी रह जाए। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैथ्स के एग्जाम में, जेई में, मैथ्स के एग्जाम में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम लोग यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं उन चैप्टर्स के नाम पता करेंगे, उन चैप्टर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं और उनको हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या फिर वो बहुत ज्यादा इजी है या फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है तो बचे हुए टाइम के लिए हम उन्हें छोड़ देंगे, और अगर इजी है तो हम उन्हें करेंगे। तो देखते हैं कि इस वीडियो की मदद से कैसे हम लोग मैथ्स में 40-50 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि बचे हुए दिन में आप इतने ही मार्क्स लेकर के आ सकते हो अगर आपको पहले से थोड़ी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के बारे में और आप थोड़ी सी मेहनत भी कर सकते हो। तो जो लोग बोल रहे हैं कि 150 प्लस दिला देंगे आप लोगों को, वो झूठ बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर बोल रहा हूं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे के बारे में और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने चाहिए, जो आप लोगों की मदद करेंगे नंबर्स लेने में, देखते हैं जरा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, एक स्लाइड आई होगी आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने कुछ मेजर पोर्शन कर रखे हैं, जैसे कि कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर एंड 3D एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर जो जो मुझे पैटर्न मिले हैं पिछले 5 साल में वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, कैलकुलस में 2018 में हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 8 क्वेश्चन, 2017 में 10, 2016 में 9, 2015 में 9 और 2014 में 8। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप यहां पर अगर देखें तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो कैलकुलस से आ ही रहे हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जितने भी पोर्शन बताऊंगा अभी यहां पर जो लिखे हुए हैं यहां पर पांच के पांच पोर्शन, मैं इनकी डिटेल में भी जाऊंगा। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, तभी पता चलेगा कौन सी चीज आसान है और कौन सी चीज मुश्किल है। कुछ क्या करेंगे, एंड में जाएंगे, हालांकि एंड में मैंने आप लोगों को ऐसी चीज बताई है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट एंड पे मत जाना, पहले यहाँ पे देख लो, क्योंकि डायरेक्ट एंड में जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन से टॉपिक करने हैं उसमें से। देखो जरा पहले यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 2018 में, 2017 में 4, 16 में 5, 15 में 5 और 14 में 6। तो यहाँ पर कम से कम 4 क्वेश्चन तो आए हैं, वैसे तो हम 5 बोल सकते हैं पर 4 बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम लेकर के चलता हूं मैं, ज्यादा हवा में नहीं उड़ा सकता आप लोगों को। ओके, अलजेब्रा में आप कंसिस्टेंसी देखिए, अलजेब्रा में अगर आप देखें तो 11 11 11 11, मतलब पूरे के पूरे पिछले 5 साल में 11 क्वेश्चन आते ही आते हैं अलजेब्रा से। और वहीं अगर वेक्टर और 3D की बात करें तो वहां पर 3 3 3 3 क्वेश्चन, और अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वहां पर भी 2 2 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे सबसे पहले तो इस बात पता चलती है यार, कुछ चीजें फिक्स होती हैं जेईई मेंस में। कौन कौन सी चीजें फिक्स होती हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, जैसे कि मान लो कैलकुलस में 8 है फिर 10 आए थे 2017 में, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो फिक्स रहता है, जैसे अलजेब्रा देख लो, 3D वेक्टर देख लो और आप ट्रिग्नोमेट्री देख लो। तो अब सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर जो भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आप लोगों को इन चीजों को रिवाइज करना है, जो 12th का पोर्शन है उसके जो लिंक है, सारे के सारे चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अब वहां पर जाकर के देख सकते हो। वही 11th तो मैंने अपलोड की नहीं है, तो अभी मैं 11th के लिए आप लोगों से बोल नहीं सकता कि कहां से रिवाइज करना है, वो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को इसमें से ईजी मिलते हैं और इन टॉपिक्स को डिटेल में भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो डिटेल में देखेंगे हम लोग, देखेंगे उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों के पास यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस बात को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, इनका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को इन सब चीजों से अगर आप फेमिलियर हो, हालांकि 11th क्लास के ज्यादा फेमिलियर हो गए नहीं आप, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखी है चीजें, मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर आप फेमिलियर भी हो तो मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं यहाँ पर ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि टाइम बाय टाइम, पहली बात तो जो जेईई मेंस है वो इसके ऊपर फोकस करने लगे हैं, और अगर आप वो फोकस करने लगे हैं तो वो लेवल भी बढ़ा रहा है, अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन और सर्कल जो यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें से क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में से आना ही आना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को
यहां पर कंसिस्टेंसी दिख रही हो स्ट्रेट लाइन की और सर्कल की, ये आसान होते हैं, ठीक है। आप सर्कल और स्ट्रेट लाइन कर सकते हो क्योंकि ये थोड़े से इजी पड़ जाते हैं, मतलब कंपेयर एज कंपेयर टू एलिप्स एंड एज कंपेयर टू हाइपरबोला एंड पैराबोला। अगर आप इनके कंपैरिजन में देखो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल करो केवल, और वो भी कौन से क्वेश्चंस। आप देखो सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल भी 11th क्लास के 12th क्लास के क्वेश्चन लगाने मत बैठ जाना, डायरेक्टली जेईई मेंस के क्वेश्चन उठाना, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर कहीं से भी ले लो, कोई भी बुक आ जाएगी। आप केवल उन जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ केवल उन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लगा करके जाना, ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूँ केवल वही करना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है वो चीज, ठीक है। तो सबसे पहली बात स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, तो मैंने यहाँ पर जो भी आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए दे रखा है उसके सामने ईयर भी दे रखा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ कि एलिप्स हाइपरबोला और पैराबोला में से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है। तो पहली बात तो डिफिकल्ट आना है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा बचे हुए दिनों के लिए आप इसे छोड़ दो, अगर आपको करना है तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल करो, और स्ट्रेट लाइन और सर्कल में भी पूछोगे तो मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन करो क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है रदर देन सर्कल। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर। तो 3D ज्योमेट्री में से अगर आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हो तो यहाँ पर दो दो क्वेश्चंस कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं और वेक्टर से एक क्वेश्चन आता है, और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो एक बात को ध्यान रखो कि अगर कंसिस्टेंसी यहाँ से वहां नहीं हो रही है तो सबसे सिंपल चीज ये है कि 3D और वेक्टर को कर लो, क्यों, क्योंकि ये ईजी आते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ये ईजी आते हैं। आप जिसने भी 12th क्लास की 3D और वेक्टर बहुत अच्छे से कर रखा है, नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से सारी की सारी वीडियोस देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप खत्म कर लोगे सारे के सारे कंसेप्ट 12th क्लास के, ठीक है। और अगर आपने वो चीज कर रखी है तो ये इजी आती है, अगर आप लोगों ने कर लिए तो तीन क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग कंफर्म करके जाओगे, कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन 3D से आने ही आने हैं और एक क्वेश्चन वेक्टर से आना है। इतनी डीप डिटेलिंग बहुत कम जगह मिलेगी आप लोगों को, बहुत कम जगह, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को आगे की तरफ बढ़ने से पहले भी यही बोल दूं कि 3D और वेक्टर करके ही जाना है, कोई भी ये ना सोचे मैं ये करके नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों को थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं वीडियो के लिंक पर, वहां पर जाकर के वीडियो देखो, और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों के पास नेक्स्ट जो है कैलकुलस। अब कैलकुलस में बहुत लंबी सी लिस्ट आ रही है यहाँ पर, AOD, AOI, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ITF, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो देखो मैं ये चीज नहीं बोलूंगा ये इतनी बार आया, वो इतनी बार आया, ये इतनी बार आया, ये आप लोगों को दिख रहा है कि कौन सी चीज कितनी बार आई है। कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो AOD, AOI, ठीक है, और फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनकी जो कंसिस्टेंसी है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इनकी जो कंसिस्टेंसी है इसकी वजह से इनकी वैल्यू ज्यादा है। अब देखो जरा जो चीज यार हर साल आ रही है, अब ये तो पागलपन कोई नहीं करेगा ना कि उस चीज को आप छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप ऐसा। जो चीज कंसिस्टेंसी के साथ आ रही है आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहली बात मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करूंगा कि आप लोग AOD, AOI, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इन पांच चीजों को जरूर करें इसमें से, ठीक है। इन पांच चीजों को जरूर करना, मतलब करना है तो करना है। अब इनमें क्वेश्चंस कौन से करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं AOI और AOD के क्वेश्चंस इजी होते हैं अगर आप लोग जाकर के पहले करके देखोगे। AOI के क्वेश्चंस इसलिए इजी होते हैं अगर आपको फंक्शन समझ में आ रहा है, मतलब कि जो फंक्शन दे रखा है अगर आपको उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो रहा है तो आप कर सकते हो उसको, और AOD की जो लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो कर दोगे, नहीं समझे तो अटके रह जाओगे, ठीक है। वहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रॉपर्टीज डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है कुछ सालों से, अगर आप लोगों को डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। रदर देन अगर आप इंटीग्रेशन की बात करो तो वहां पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ी सी, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पर इतना मुश्किल आ तो नहीं रहा कुछ सालों से। अगर आप एक बार पेपर करके देखोगे सॉल्व तो आप लोगों को पता चलेगा थोड़ी बहुत, बस टी किसको मानना है टी किसको नहीं मानना है, अगर ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए आप लोगों को तो आप कर सकते हो। और वो कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से, जो बचे हुए दिन में इनमें प्रैक्टिस की जा सकती है अगर आप सबसे पहले क्लियरिटी लेकर के आओ दिमाग में, क्लियरिटी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं रिकमेंड करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि आप लोगों को पता होनी चाहिए, तीन ही तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी है। सबसे पहली तो एफ और FY और FX दोनों अलग अलग हो जाते थे, होमोजीनियस और लीनियर, अगर इन तीनों पे सही कमांड है ना तो फोड़ के आओगे इसको,
ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। क्योंकि यार देखो चार नंबर इसमें ना, चार चार नंबर मिलना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि यार इसको छोड़ दिया या उसको छोड़ दिया, हम लोगों को स्मार्टनेस के साथ नंबर को कलेक्ट करना होगा। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज को। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में देखते हैं, अलजेब्रा में हम लोग पास यहाँ पर दे रखा डिटरमिनेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैट्रिसेस, बायनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट, स्टैटिस्टिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें से मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं जो इजी आती है हम लोग के पास, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। एज यू नो कि ये चीजें इजी आती हैं और मैं यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा कि डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस से एक एक क्वेश्चन यानी दो क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। जिस साल मैट्रिसेस से क्वेश्चन नहीं आया उस साल डिटरमिनेंट से दो क्वेश्चन आए हैं, नहीं तो दोनों से एक एक क्वेश्चन जरूर आ रहा था। तो इस बात को ध्यान रखें कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट इन दोनों को मिलाकर के दो क्वेश्चन आपके पास आने ही आने हैं। ओके, और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप समझ सकते हो कि उसमें वो किस तरीके की ट्रिक फंसा करके पूछते हैं आपसे। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एज यू नो बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को जो टेबल होती है वो टेबल बनानी आनी चाहिए। यार टेबल बनानी आ गई ना तो आप कर दोगे बहुत आराम से। केवल टेबल अंडरस्टैंड होनी चाहिए, उसके जो साइन होते हैं वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए आप लोगों को, कौन सा नेगेशन होता है, कौन सा बिना नेगेशन के साथ होता है। ये चीज अगर अंडरस्टैंड हो गई तो आप बहुत आराम से लपेट के आ जाओगे पूरा का पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग। एक क्वेश्चन जरूर आना है, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो उसमें। ओके, और बायनोमियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप लोग 11th क्लास का याद नहीं है तो चलो मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत नहीं याद होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है या फिर आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो तो मैं कहूंगा प्लीज रिवाइज करो यार बायनोमियल थ्योरम को। पीएनसी से भी देखिए कंसिस्टेंसी, केवल एक साल नहीं आया 2014 में, उसके बाद से आ ही रहा है लगातार एक क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इजी आता है, मैं बोलूंगा इजी आता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वहां पे अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी ना के बराबर था, 12th क्लास में था। 12th क्लास का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली तो मैं कह रहा हूँ, कंफर्म कह रहा हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी। समझ में आने की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ अपनी। ठीक है, समझ में आ जाएगी आप लोगों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो 11th क्लास का अगर आप कर पाओ तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप करना यार। क्रैश कोर्स कहीं अगर थोड़ा बहुत ज्वाइन कर पाओ तो जरूर कर लेना, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं इनसे नंबर बटोरे जा सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओ। सेट बहुत इजी आता है, स्टैटिस्टिक इजी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं नहीं कह सकता कि इजी आता है, कभी कभी मॉडरेट भी आ जाता है, कभी डिफिकल्ट भी आ जाता है, कभी इजी भी आ जाता है। पर मैं जिन चीजों की गारंटी दे रहा हूँ कि ये चीजें इजी आएंगी वो कंसिस्टेंसी 5 साल से इजी ही आ रही है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी चैप्टर रेकमेंड करे हैं, जितने भी चैप्टर्स के बारे में बताया है, वो मैंने पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करके बनाया है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जिस चैप्टर को मैं ईजी बोल रहा हूँ वो मुझे लगा है कि वो ईजी आया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को भी ईजी लगेगा, पर हाँ मैं पढ़ाता हूँ तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ जो चीजें मैं ईजी बोल रहा हूँ वो आप लोगों को भी ईजी लगेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं आप लोगों को एंड के लिए क्यों बोल रहा था कि यार एंड में वीडियो जरूर देखना। एंड में वीडियो इसलिए देखना क्योंकि ये जो लास्ट स्लाइड आ रही है आप लोगों के सामने, ये वाली जो लास्ट स्लाइड है, यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर ये जो मैंने कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं, आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करनी है तो इन्हें टॉपिक्स में से करना, इन टॉपिक्स में से कुछ हटा देना। अगर आप लोग ध्यान से देखो, 3D ज्योमेट्री में मैंने 2 लिख रखा है, तो इसमें से क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं टोटल 15 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर हो गए। अब अगर इसमें से आप कुछ चीजें हटा भी देते हो, जैसे कि मैंने कुछ चीजें इसमें जोड़ी नहीं है, जैसे कि आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने नहीं जोड़ी इसमें, पीएनसी मैंने नहीं जोड़ा, बायनोमियल थ्योरम नहीं जोड़ा, मैं मतलब मैंने कोशिश की है जो 12th क्लास का बच्चा है वो 12th क्लास की तरह ही दे पाए इसको। मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश की है, प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ अंट शंट पकड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं ये कर लो वो कर लो। देखो यार अगर 12th क्लास का ही है तो 12th क्लास का ही करके जाओ, जो 11th क्लास का प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो आप कर सकते हो केवल वही करना, हवा में मत रखो कहीं 11th क्लास करने के चक्कर में जो 12th का आता है वो भी रह जाए। ठीक है, तो जो मैंने ये टॉपिक बोले हैं उन टॉपिक्स को जरूर करना सॉल्व। ठीक है, इनके क्वेश्चन जरूर लगाना, पिछले 5 साल के तो कम से कम लगा करके जाना। तो जो यहाँ पर 60 नंबर हम लोग अगर आप इन टॉपिक्स को करके आते तो 60 नंबर आते, अगर 60 भी नहीं आएंगे तो मैं 40 की उम्मीद तो कर सकता हूँ, 35 की उम्मीद तो कर सकता हूँ। जो बंदे ने पूरे के पूरे साल प्रिपरेशन ना की हो जेई मेंस की, अगर वो इतने कम टाइम में इतने मार्क्स लेकर के आ रहा है, इट इज इनफ फॉर मैथ्स, मैथ्स के लिए इनफ है। अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि वो 60+ दिला सकता है, 70+ दिला सकता है, यार
मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बाकी आप देख सकते हो, आप भी समझदार हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो चीज बोल रहा हूँ आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को करते हो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, और ध्यान रखना जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेंस के क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेंस एग्जाम। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना कहीं पर भी, सब्सक्राइब करो। अभी केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, और आपकी कैरियर काउंसलिंग के लिए भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।